was yours, you were mine. अभी गोवा आने लायक है या नहीं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ गोवा, या फिर ये कहें गोवा प्रेजेंट सिचुएशन। तो इसी को बताने के लिए मैं आ गया हूँ गोवा के एक फेमस बीच पर, और यहाँ से मैं आपको दिखाने की और बताने की कोशिश करूँगा कि आपको भी गोवा आना चाहिए या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट हैं, और सभी टूरिस्ट एक लाइन से लगे हुए हैं किसके लिए, वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेने के लिए। तो अगर आप भी गोवा आ रहे हो तो इस बीच पर, या फिर ये कहें नॉर्थ गोवा के इस बीच पर, आप बहुत ही सस्ता वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं। अगर वाटर स्पोर्ट्स की स्टार्टिंग प्राइस की बात की जाए तो लगभग 500 रुपीस से स्टार्ट है, और अगर आप पैकेज लेंगे तो आपको 2999 रुपये में फुल पैकेज मिल जाएगा वाटर स्पोर्ट्स का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 2024 में गोवा आ रहे हो तो बहुत सारे चेंजेज हुए हैं, बहुत सारे बदलाव हुए हैं, और नॉर्थ गोवा के बीचेज में तो बहुत ही जबरदस्त बदलाव हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जेट्स की पहले बहुत कम रहती थी, लेकिन नॉर्थ गोवा के इस बीच पर जेट्स की और वो बनाना राइड और ये फॉरेनर्स और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूरोपियन टूरिस्ट आ गए हैं। तो ये कौन सा बीच है आप सोच रहे होंगे कि ये नॉर्थ गोवा का कौन सा बीच है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये है नॉर्थ गोवा का बेस्ट बीच, या फिर ये भी कह सकते हैं फेमस बीच ऑफ नॉर्थ गोवा एंड पूरे नॉर्थ गोवा का सबसे क्राउडेड बीच। जब आप इस बीच पर आओगे तो मेन एंट्रेंस इंटर करते ही अगर आप लेफ्ट साइड आओगे तो आपको क्या होगा, आपको यूरोपियन टूरिस्ट दिखने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूरोपियन टूरिस्ट रहते हैं, किस बीच पर, गोवा के बागा बीच पर। तो यहाँ पे आपको यूरोपीय टूरिस्ट मिलेंगे, लेकिन भीड़ भाड़ एरिया से दूर यहाँ पे अपना चिल करते हैं, और यूरोपियन टूरिस्ट की बात की जाए तो वो लोग बहुत ही कैमरे से हाइड होना चाहते हैं। इसलिए मैं और ज़्यादा वीडियो शूट यहाँ का नहीं कर पाया, क्योंकि ऑब्जेक्शन करने लगते हैं गोवा के इस बीच पर। इसलिए अगर आप भी कैमरा या फिर वीडियो शूट करने के उद्देश्य से आ रहे हैं तो थोड़ा बच के वीडियो शूट करना, क्योंकि ये लोग ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये यूरोपियन टूरिस्ट है। बट रशियन टूरिस्ट बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं करते और कैमरा फ्रेंडली होते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं फेमस प्लेसेज ऑफ नॉर्थ गोवा, विजिटिंग प्लेसेज ऑफ नॉर्थ गोवा, टूरिस्ट प्लेसेज ऑफ नॉर्थ गोवा, बेस्ट बीच इन नॉर्थ गोवा, बेस्ट बीच इन गोवा, फेमस प्लेसेज इन गोवा, तो मेरे चैनल पर वीडियोज अवेलेबल हैं, आप एक बार चेकआउट जरूर करना।